Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome to class of social science. Today we are going to study about Social start a new chapter in civics, chapter 10, organs of government. Okay, organs of government, students, here are going to study that what are the organs of government, and in for each topic we are going to study in detail. Now mainly there are three organs of government. Main three organs are there: legislative, executive and judicial. Okay, these three are the organs, and for the smooth administration it is necessary that these three organs of government, they jointly work together efficiently, so the government can work, do their work smoothly and efficiently. Now first is legislature. Okay, legislature mein kya hota hai? Legislature consists of parliament at the center. Central level mein parliament jisme rajya sabha lok sabha hote hain, aur state level pe legislative assemblies hoti hain. Okay, so legislature consists of parliament and legislative assemblies. Executive, executive mein kaun hote hain? एग्जीक्यूटिव के अंदर है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर लेवल, एंड एट द स्टेट लेवल वी हैव गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. अब जुडिशियरी में कौन होता है? जुडिशियरी में सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट, सारे कोर्ट आते हैं ये जुडिशियरी. ओके, नाउ इनका काम क्या है? व्हाट इज देयर वर्क? ओके, लेजिस्लेटिव इट फ्रेम्स द लॉ. कुछ भी लॉ होता है लेजिस्लेटिव में, पहले वो डिस्कस किया जाता है, रीडिंग्स होती है उसकी. ओके, पार्लियामेंट लोग पार्लियामेंट में, और उसके बाद वो लॉ बनता है. सो इट्स द लेजिस्लेटिव दोज हु फ्रेम द लॉ. जो ये मेंबर्स है लेजिस्लेटिव के, वो लॉज फ्रेम करते हैं. एग्जीक्यूटिव वो इम्प्लीमेंट करते हैं. अंडरस्टूड? अगर ये लोग लॉज बना रहे, प्रेसिडेंट इज नॉट साइन दैट लॉ, इट विल नॉट बिकम अ लॉ. ओके, तो इट इज द ड्यूटी एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दैट लॉ. एंड जुडिशियरी क्या करती है? मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. वो देखती है कि वो जो लॉ बने हैं दे आर टू बी फॉलोड, अदरवाइज इट पनिशेज द पीपल. सो दिस आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. नाउ फर्स्ट विल स्टडी डिटेल अबाउट टुडे अबाउट लेजिस्लेटिव. ओके, लेजिस्लेटिव हमारा रिपब्लिक कंट्री है. ओके, वी पीपल गिव द वोट एंड दोज आर सिलेक्टेड, दे पीपल सिट इन द पार्लियामेंट एंड दे फॉर्म अ लेजिस्लेचर. दो तरह के होते हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल. यूनिकैमरल यानी वन द हाउस, द लेजिस्लेटर हु इज लिविंग वन हाउस, जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है, दैट इज नोन एज एन यूनिकैमरल. बाइकैमरल लेजिस्लेटर जिसमें दो हाउस होते हैं, दैट इज नोन एज एन बाइकैमरल. अवर इंडिया इज एज अ बाइकैमरल लेजिस्लेटर. क्यों? क्योंकि हमारे में दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा इज अ अपर हाउस, लोकसभा इज अ लोअर हाउस. दो हाउसेज हैं, दैट्स व्हाई अवर लेजिस्लेचर इज अ बाइकैमरल. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस लेजिस्लेटर. लेजिस्लेटर एट अ सेंट्रल लेवल फर्स्ट, स्टेट लेवल पे भी होता है, स्टेट पे सेंट्रल पे भी. नाउ फर्स्ट एट अ सेंट्रल लेवल. ओके, उसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड सम इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. लोकसभा क्या होता है? इट्स अ लोअर हाउस. ओके, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. टोटल देर आर 545 मेंबर्स होते हैं, उसमें से टू दे आर सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट. ओके, अदर्स दे आर सिलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीपल, एंड टू आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड प्रेसिडेंट ही इज अ मेंबर ऑफ बोथ दिस पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ही कैन समन द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, ही कैन डिसॉल्व द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज. दिस लोकसभा टेन्योर इज ऑफ 5 years, 5 years तक ये होती है. बट इफ द प्रेसिडेंट वॉन्ट्स ही कैन डिसॉल्व बिफोर टाइम, और ही कैन इवन ही कैन एक्सटेंड फॉर 1 year. इफ इमरजेंसी इज देयर, ही कैन एक्सटेंड दैट लोकसभा फॉर 1 year. नाउ क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा. नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशन? स्टूडेंट्स, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मेनी क्वालिफिकेशन अबाउट लोकसभा, राज्यसभा, अबाउट डिफरेंट जजेस क्वालिफिकेशन. तो फर्स्ट आई थिंक वन क्वालिफिकेशन इज कॉमन, दैट ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, फॉर द क्वालिफिकेशन फर्स्ट ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ही और शीज एज शुड बी मोर देन 25 और मोर देन 25 ईयर्स एज. He should not be a
प्रूवन क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल बेस नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ इंसॉल्वेंट, ओके, इंसॉल्वेंट और सब इनबैलेंस माइंड, कोई भी इंसॉल्वेंट हो वो नहीं बन सकता है. सो दिस आर द क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा. ओके, जनरली एनी लॉ, कोई भी लॉ, ओके, वो कब पास होता है, फर्स्टली द रीडिंग इज डन इन बोथ द हाउसेस एंड आफ्टर दैट ओनली प्रेसिडेंट साइंस दैट इट बिकम्स द लॉ. क्लियर? नाउ अबाउट राज्यसभा. राज्यसभा देयर आर टोटल 250 मेंबर्स. अमंग देम 250 में से 12 मेंबर्स दे आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे 12 आर एक्सपर्ट इन ऑल द डिफरेंट फील्ड्स. ओके, कोई आर्ट में, कोई साइंस में, डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं दैट 12 आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा. नाउ राज्यसभा इज नोन एज एन अपर हाउस. ओके, इट इज अ परमानेंट हाउस, इट डज नॉट डिसॉल्व, ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स डिसॉल्व एवरी 2 years. ओके, एंड इट्स टेन्योर इज ऑफ 6 years, उसका टाइम पीरियड 6 years का होता है. नाउ क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, अदर्स आर सेम, बाकी सब सेम है, जैसे ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड नॉट बी हैव एनी क्रिमिनल बेस, ही और शी शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, ओके, और डज नॉट हैव एनी मेंटल इम्बैलेंस, ही और शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड ही फॉर राज्यसभा एज इज ऑफ 30, ही और शी शुड बी ऑफ एज 30 और मोर देन 30 years. बस ये एक पॉइंट का डिफरेंस है एज का, अदर्स द क्वालिफिकेशन आर सेम फॉर बोथ द हाउसेज, यू कैन राइट सेम, ओनली वन पॉइंट इज डिफरेंट, ये एज 25 यू विल राइट हियर, पर राज्यसभा एज इतनी बोला मैंने 30. ओके, नाउ दिस कोरम, व्हाट इज दिस कोरम, ओके, फॉर द मीटिंग, फॉर द सेशन इट इज नेसेसरी दैट 1/3 मेंबर्स ऑफ हाउस शुड बी प्रेजेंट. ओके, अगर लोकसभा की मीटिंग है तो 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट. 1/10 यानी सपोज यहाँ 545 है तो इसका 1/10 कितना होगा, 55. सो मिनिमम 55 मेंबर शुड बी प्रेजेंट. और राज्यसभा का 250 तो इसका 1/10 कितना होगा, स्टूडेंट्स 250 का 1/10 होगा 25. तो मिनिमम 25 मेंबर शुड बी प्रेजेंट एंड दिस इज नोन एज एन कोरम. ओके, जनरली दिस टू हाउस मोस्टली मीट फॉर 3 sessions थ्रू आउट द ईयर, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. ओके, फॉर दिस 3 sessions दे मीट टूगेदर, दे मीट इन अ ईयर. ओके, नाउ दिस वॉज अबाउट दिस लोकसभा राज्यसभा. टुमोरो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पीकर एंड फॉर द लेसन. स्टूडेंट्स योर टूडेज होमवर्क इज राइट अबाउट दिस 3 organs. ओके, write the definition of unicameral and bicameral and in detail you write about Lok Sabha and Rajya Sabha and submit to your concerned teacher. Thank you. Have a nice day.